नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। भारत जोड़ो यात्रा की हर तस्वीर आप देख रहे होंगे, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कई एक्ट्रेस भी शामिल हुई, सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हर कोई शामिल हुआ। लेकिन सवाल आता है प्रियंका गांधी पर, क्या आखिर प्रियंका गांधी कहाँ है, वो भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक शामिल क्यों नहीं हुई। आपको बता दें, साल 2020 की वो घटना जब पायलट ने बगावत करी थी, प्रियंका राहुल उनको मनाने के लिए पहुंचे थे और प्रियंका गांधी ने तो वादा तक कर दिया था कि पायलट को सीएम पद दिलाकर रहेंगे। प्रियंका गांधी के वादे की कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स बहुत बार मीडिया में सामने आई, लेकिन उसके बाद देखने को मिला साल 2022 में जब पायलट को पद देना ही चाहिए था, सीएम पद के बहुत क्लोज थे। राहुल गांधी का मानना था कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने। राहुल गांधी हमेशा ही गहलोत की तारीफ करते और प्रियंका गांधी पायलट की तारीफ करते। अगर विश्वास ना हो तो ये देख लीजिए कि गुजरात चुनाव में अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और हिमाचल चुनाव में प्रियंका और पायलट को जिम्मेदारी दी गई, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं प्रियंका और पायलट की जोड़ी असरदार साबित होती है और गहलोत और राहुल की जोड़ी। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल ना होना इस बात की ओर संकेत करता है कि क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से नाराज हैं, क्या खफा चल रही है, क्या उनके बीच कुछ मनमुटाव या लड़ाई चल रही है। तो खैर, ये सारे कयास है, क्योंकि अगर बात करें तो प्रियंका गांधी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खाली बैठी और जानबूझ कर नहीं आ रही। इस समय हिमाचल चुनाव में काफी व्यस्त है प्रियंका गांधी और लगातार उनकी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बार हिमाचल चुनाव में कुछ बड़ा खेला करके दिखाएंगी प्रियंका गांधी और ये बड़ा खेला होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सचिन पायलट ने भी रैली करी, सचिन पायलट ने भी ऐलानबाजियां करी, लेकिन पायलट को लेकर ऐलानबाजियां राजस्थान की सत्ता में नहीं हो रही। अब इन्हीं सब मसलों को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर साफ कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जिस दिन शामिल होंगी उस दिन सभी के होश उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी वहां से कई सारी ऐलानबाजियां भी करेंगे। आपने देखा था नेशनल हेराल्ड केस की जब जांच की यहाँ आई थी ईडी की, जब राहुल गांधी सोनिया गांधी पर, तो प्रियंका गांधी सड़कों पर लेट तक गई थी और उनको घसीटा गया था यहाँ पर पुलिसों के द्वारा। तो प्रियंका गांधी की इतनी ताकत है कि वो किसी से भी अड़ जाएंगी अपने परिवार के लिए। तो गांधी परिवार अभी भी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी अब अलग ही खेल दिखा रही है और खासकर कांग्रेस पार्टी उन चेहरों को आय कर रही है राज्यों में, चुनावों में, जो वहां के क्षेत्रीय लोकल नेता है, जिनकी पहचान वहां पर लोगों के बीच है। तो कांग्रेस पार्टी का यह नया प्लान देखने को मिल रहा है। रही बात सचिन पायलट की, तो पायलट के पद की लड़ाई तो जारी थी, है और शायद आगे भी रहेगी, क्योंकि गहलोत के राजस्थान के मॉडल को हर कोई स्वीकार कर रहा है। पीएम मोदी ने तारीफ करी तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने भी तारीफ करी, लेकिन प्रियंका गांधी ज्यादा खुलकर नहीं बोलती। गहलोत पर यह बात साफ है, वो पायलट के समर्थन में नजर आते हैं, जब भी आती है राजस्थान तो पायलट के साथ ज्यादा नजदीकियां रहती है। खैर, वो तो राजनीतिक मसलों को लेकर यहाँ पर तमाम जानकारी आती रहती है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा इस समय काफी चर्चाओं में और ऐसे में सोनिया गांधी जो बीमार थी उसके बावजूद भी पहुंची और इसमें पूजा भट्ट भी पहुंची और तमाम बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रियंका का ना पहुंचना कई सारे सवाल भी खड़े करता है। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की सत्ता को लेकर क्या प्रियंका गांधी खुद आकर कोई फैसला करते हैं या भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान पहुंचेगी तब राहुल गांधी को ऐलान करेंगे या फिर जो चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।